नमस्कार, क्या आप सब लोग दूसरी तरफ उपस्थित हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, एक बार जरा सब लोग नमस्ते कर दीजिए तो मुझे पता लगे कि आप लोग आ गए। अब आपका जो सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मेरे निवेदन पर, ये देखिए आवाज क्यों आ रही है, म्यूट नहीं हुआ पूरी तरह से है। अच्छा, मेरा कहना है कि अभी आप अपने माइक्रोफोन्स को अगर म्यूट रखेंगे तभी मैं बात कर पाऊंगा। आप सब अपने माइक्रोफोन को प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर ये कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा। जब आपसे बात करने का समय आएगा तब उस समय आप उसको ऑन करिएगा। शुक्रिया, आप सबको मेरा ढेर सारा प्रणाम। आपने मेरे निवेदन पर अपने बहुमूल्य समय में से ये एक घंटा मेरे लिए निकाला है, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ। आप सब जानते हैं कि हम सब और सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से तकलीफ में है और हमारा मंत्रालय भी 2400 घंटे लगभग पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से इसी प्रकोप को हैंडल करने में लगा है। मेरे लिए भी पिछले 25-26 साल, जब से मैं पब्लिक लाइफ में 1993 में आया, तब से ये शायद पहले 1.5-2 महीने हैं जब मैं सवेरे के समय अपने क्षेत्र के लोगों से ना मिला हूँ, वरना 1993 से लेकर और अभी पिछले महीने मार्च के प्रारंभ तक मैं रोज़ सवेरे लगातार पिछले 25-26 साल बिना किसी ब्रेक के अपने क्षेत्र के लोगों से अपने घर पे मिलता रहा हूँ। और शायद दिल्ली में MLA और MP रहते हुए ऐसा भी दिन मुझे याद नहीं आता कि जब मैं अपने क्षेत्र में किसी न किसी कारण से जाता ना रहा हूँ। लेकिन अभी ये लगभग 1-1.5 महीने से आप में से किसी के भी मिलने का मुझे किसी भी कारण से उस तरीके का अवसर नहीं मिला, इसलिए पिछले सप्ताह मैंने अपने सहयोगियों की सहायता से आप सबसे पहले टेलीफोन पे संपर्क साधने का प्रयास किया था। आपके और आपके परिवारजनों के और आपके RWA के सभी सदस्यों के कुशलता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और फिर उसके बाद ये सोचा कि आजकल जब लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के साथ एक दूरी को बनाए रखना, ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसे में मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपर्क करूं और आज ये दिन हमारे को प्राप्त हुआ है जब हम आपके साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सब के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवारजनों के लिए और विशेषकर आपके परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य की कुशलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। आज की इस मीटिंग में हमने आपके क्षेत्र के कुछ प्रमुख ऑफिसर्स को भी यहां पर बुलाया है। उन सबको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही लॉकडाउन है, लेकिन उस सबके बावजूद भी आप सब ऑफिसर्स, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी जिस प्रकार की ज़रूरतें साधारण टाइम्स में होती हैं, उसी तरह की आज के समय की ज़रूरतों का आप लॉकडाउन के बावजूद भी पूरी तरह से ध्यान रखें। उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए उतनी ही कमिटमेंट के साथ काम करें जितनी कमिटमेंट के साथ आप लॉकडाउन के पहले करते थे। आज के इस अवसर का लाभ उठाकर, यूं तो बहुत सारी जानकारियां आपको टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिलती रहती हैं। आज तो टेलीविजन पर और अखबारों में शायद कोरोना वायरस के प्रकोप को छोड़कर कोई दूसरी चर्चा नहीं होती है, और इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोग बहुत सारी जानकारी से परिचित हो चुके हैं। लेकिन आपका क्षेत्र का लोकसभा सदस्य होने के नाते भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से भी आज जानकारियां जरूर शेयर करूं। आपको ये जानकर निश्चित रूप से खुशी भी होगी और गर्व भी होगा कि चीन में ये तकलीफ आने के बाद दुनिया के अंदर भारत शायद सबसे पहला ऐसा देश था जिसने इस खबर की गंभीरता को शुरुआती दौर में ही समझने का प्रयास किया और पहले ही दिन से 8 जनवरी से इसके संदर्भ में जो एक्शंस हम लोगों ने प्रारंभ किए, उन एक्शंस का ही ये परिणाम है कि आज शायद दुनिया के सभी देशों में भारत की परिस्थिति, भारत की स्थिति दुनिया के सब देशों से बेहतर है। बीमारी को काबू करने में हम व्यापक पैमाने पर सफल हुए हैं। हमारे देश में बीमारी कहां कहां पर है, कितनी मात्रा में है, यानी कोरोना वायरस नाम का दुश्मन हमारा किस स्थान पर है, ये जानकारी हमें पूरी तरह से पता है। और इसके कारण बीमारी को कंटेन करना, बीमारी को कंट्रोल करना, ये व्यवहारिक तौर पर बेहतर ढंग से संभव हो पा रहा है। सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आधे से ज़्यादा ज़िले हैं जहां बीमारी का एक भी केस नहीं हुआ है।
और बाकी जिलों के अंदर लगभग एक तिहाई जिले ऐसे हैं जहां की बीमारी का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है, जिनको हमने 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस के रूप में डिवाइड किया है, और लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमें अपने दुश्मन के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर काबू पाने का जो प्रयास है उसमें सफल हो। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सब कोई केवल एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, आप RWA के प्रधान हैं, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने गली में, मोहल्ले में, अपनी अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आप बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके नाते मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आज देश के लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर टेलीविज़न पर आकर आपसे बातचीत करते हैं, हम स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से भी हर रोज़ 4 बजे अपने अधिकारियों के माध्यम से आपको सारी जानकारियां देते हैं, समाज में हर व्यक्ति को क्या क्या करना ज़रूरी है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है, और बार बार ये बताया जाता है कि साधारण छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान करके हम कोरोना वायरस से अपने परिवार को, अपने घर के बुजुर्गों को बचा सकते हैं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुनने में तो ये साधारण लगती हैं लेकिन किसी को भी अपने आप को COVID-19 से बचाने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये बीमारी अभी जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि मेरे मुंह पे मास्क लगा है लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क को नीचे किया है। अगर मेरे सामने या आसपास आप में से कोई भी 1 या 2 मीटर के फासले में होता और अगर मैं कोरोना से प्रभावित व्यक्ति होता तो शायद थोड़ी देर आपसे बातचीत करने पर भी मैं अपने शरीर से आपके शरीर के अंदर कोरोना के वायरस को पहुंचा देता। ये इसलिए होता है क्योंकि बातचीत करते समय हमारे थूक के साधारण कण ये दूसरे के शरीर पर भी गिर सकते हैं, उसके मुंह पर गिर सकते हैं, उसके मुंह, नाक और आंख के रास्ते उसके शरीर में जा सकते हैं, और इस वायरस को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किसी इंसान के शरीर के अंदर का वातावरण चाहिए। जिस तरह से मैं बातचीत करके किसी के शरीर में ये पहुंचा सकता हूं, उसी तरीके से अभी बातचीत करते समय अगर मैं बीमार होता तो मेरे शरीर से जो ड्रॉपलेट्स, थूक की बूंदें, उनके अंदर, उनके माध्यम से वायरस ये मेरे सामने की टेबल पर या जिस भी स्थान को आसपास मेरे वो है उसकी सरफेस के ऊपर ये गिर सकते हैं, और अगर इस सरफेस को मैंने छुआ इस प्रकार से और इसको छूने के बाद ये मेरे हाथ में आ सकते हैं, और फिर इसी हाथ को मैं अगर मुंह और अपने आंख और नाक पर ले जाऊं तो मेरे हाथ से ये शरीर में जा सकते हैं। इसलिए बार बार अगर ये देश के 135 करोड़ लोगों को पढ़ाने की कोशिश की गई, आपके सबके कॉलर ट्यून में आज भी शायद ये मैसेज आता है
कि कैसे हाथ को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है दिन में 2-4-5 बार। घर से बाहर से हम घर में आते हैं तो अच्छी तरीके से तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अपने हाथ को मुंह पर, नाक पर, कान पर, आंख पर नहीं लेके जाना चाहिए। और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, दूसरे से फासला बना के रखने की बात की जा रही है, आज घर में ही रहने की बात की जा रही है। ये वास्तव में जब तक बीमारी के खिलाफ दवाई और वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध नहीं होती है, तब तक मैंने कहा है कि ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यही शायद हम सब के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है, यही हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप कृपया इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा। ये वायरस, इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश में, दुनिया में जब किसी को बीमारी होती है तो वो पिछले कुछ दिनों में, एक सप्ताह में, 10 दिन में किस किस आदमी से मिला था, कहां कहां पर वो मिला था, इसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर उसकी देश भर में हिस्ट्री ट्रैक की जाती है। और हिस्ट्री ट्रैक करने के बाद उन सारे लोगों को भी अलग किया जाता है, क्योंकि वो भी संक्रमित हो चुके हो सकते हैं और आगे दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए उनको, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, उनको ढूंढकर अलग किया जाता है, उनकी क्वारंटाइन जिसको कहते हैं कि उनको 2 हफ्ते के लिए अलग स्थान पर रखा जाता है, ताकि उस बीच में अगर उनको बीमारी डेवलप होती है तो तुरंत इलाज भी हो सके, लेकिन उस बीच में वो किसी दूसरे को बीमारी ना दे सके। इस नाते ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वायरस है जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इसमें संतोष की बात यह है कि 80% लोग जिनको इस वायरस का रोग होता है उनके शायद प्राणों को उस प्रकार का खतरा नहीं होता, शायद उनको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अस्पताल की व्यवस्था में भी जाने की जरूरत नहीं होती। आज तो हम उनको अस्पतालों में लेके जा रहे हैं ताकि इलाज भी कर पाएं और उनको हम समाज से अलग भी कर पाएं, लेकिन भगवान ना करे बड़े पैमाने पर अगर वो बीमारी फैलेगी तो हो सकता है उनको अस्पताल की जगह किसी हॉस्टल के अंदर, किसी गेस्ट हाउस के अंदर, किसी स्टेडियम के अंदर या किसी होटल में ले जाकर हमको रखना पड़े। बाकी 20% लोगों को जिनको बीमारी होती है उनको अस्पताल में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था में, ज़्यादा गंभीर हो जाए जिसमें आईसीयू में ले जाना पड़े, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े इत्यादि इत्यादि, उस हिसाब से उनको अस्पतालों के अंदर भर्ती करने की आवश्यकता होती है। और केवल 2-3% से ज़्यादा लोग मृत्यु का शिकार नहीं होते। जो लोग मृत्यु का शिकार होते हैं उसमें 75-80% तक लोग ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं, 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हैं। ये ट्रेंड सारी दुनिया में देखा गया है और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से शरीर में कोई और दूसरा रोग चल रहा था, वो चाहे दिल की बीमारी हो, कोई और सांस लेने की बीमारी हो, कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां जो साधारणतः लोगों को रहती हैं। इसलिए बार बार मैं भी कहता हूं, सब लोग कह रहे हैं और इसको बार बार आग्रह पूर्वक मैं कहना चाहता हूं,
कि अपने घरों में अपने बुजुर्गों की इस समय पे विशेष आप चिंता करिए, खासकर जब आप किसी भी कारण से बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं तो अच्छी तरह से नहाने धोने के बाद अपने बुजुर्गों से मिलें और उनके साथ भी अपना इस समय डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के लोग इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रख रहे होंगे। अभी आप जानते हैं कि सारे देश में बीमारी का प्रकोप जहां सबसे ज़्यादा है उन प्रदेशों में दिल्ली का नंबर भी लगभग दूसरे नंबर पर है, और दिल्ली में भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहां एक प्रकार से हमारे ज़्यादा केसेस हैं, वो दिल्ली में भी इलाके बड़ी संख्या में हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उन इलाकों को सील किया गया है, इसलिए जब तक आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आई है, आप ऐसा मत समझिए कि आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आ सकती। आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी लापरवाही या क्षेत्र में किसी के द्वारा भी सावधानी ना बरतने के कारण ये बीमारी के आने की दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मैंने आपसे आज ये मिलने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयोग किया है। आप सबके संज्ञान में इस बीमारी के संदर्भ में जो कुछ आज दुनिया में और दूसरे आज इस बीमारी के संदर्भ में जो कुछ भी देश और दुनिया में घट रहा है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमने अपने तैयारियों को कब और किस प्रकार से शुरू किया, इसकी आपको जानकारी देने के लिए मैंने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मैं अभी आपके सामने अगले 10-15 मिनट में कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको बहुत आवश्यक जानकारियां दूंगा जो आपके लिए रोचक भी हो सकती हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने में भी वो उपयोगी हो सकती हैं। और फिर बीमारी किस स्तर पर हमारे देश में और दुनिया में अपना प्रकोप बढ़ा रही है उसका भी आपको अंदाज़ा होगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप में से कुछ लोगों के साथ मैं बातचीत भी करूंगा और फिर अगले 30-40 मिनट के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि 7 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है और हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। हमारे दफ्तर में हमारे सहयोगी गगन मक्कड़ जी ने आपसे बात की है, कोई इस दौरान भी आपको तकलीफ होती है तो आप उसके बारे में जानकारी उनको लगातार दे सकते हैं। मेरे दफ्तर में दूसरे अन्य सहयोगियों के साथ भी आप बातचीत करके कोई भी जानकारी मेरे साथ शेयर करने लायक है, मुझे बताने लायक है, तो आप उनको फ़ोन पर बता सकते हैं। अभी मैं आपके सामने स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं। पहली स्लाइड दिखाइए। देखिए, ये जो स्लाइड है ये दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस का प्रकोप है उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बता रही है। दुनिया में सबसे पहले चीन ने 31 दिसंबर 2019 को दुनिया के लोगों को ये बताया कि वुहान शहर के अंदर उनके देश में
न्यूमोनिया के कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनके बारे में ये नहीं समझ में आता कि वो क्यों हुआ। और फिर चीन ने ही 7 जनवरी 2020 को ये कहा कि उन्होंने एक नए किस्म का कोरोना वायरस इसके कारण के रूप में डिटेक्ट किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में जिस दिन ये खबर आई थी उसके 24 घंटे से भी कम समय के अंदर हमने हमारा जो एक एक्सपर्ट्स का जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप होता है उसमें सभी एक्सपर्ट्स भी होते हैं और WHO के प्रतिनिधि भी होते हैं और देश में समय समय पर जो बीमारियों का प्रकोप चल रहा होता है उसके संदर्भ में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हमने 8 जनवरी को ही उसके बारे में विचार करने के लिए अपने एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी। शायद दुनिया में इतना फास्ट एक्शन कहीं नहीं हुआ होगा। अगले लगभग 8-9 दिनों में हमने सारी चाइना की सिचुएशन को स्टडी किया, उनके केसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश की। हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया था लेकिन 17 जनवरी को हमने सारे देश को पूरी तरह से आगाह कर दिया था और पूरी डिटेल्ड एडवाइजरी हमने सारे देश को हर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि उनको किस प्रकार से अगर कोई भी देश में केस होता है तो उसको हैंडल करना है। इसके साथ साथ हमने जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं उनके लिए ट्रेवल एडवाइजरीज शाम उसी दौरान 17 तारीख को देश के लोगों को दी कि उनको चाइना या दूसरे पास में हांगकांग इत्यादि जाने से रोकना है। चाइना की एम्बेसी को हमने सूचित किया कि वहां से आने वाले खासकर क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी वहां पढ़ते हैं उनकी जो जानकारी है हमको एडवांस में दी जाए और सारे देश में हमने जो सर्वेलेंस है कम्युनिटी सर्वेलेंस इसका काम शुरू किया। अपने एयरपोर्ट्स पर हर आने वाले व्यक्ति की जांच करनी शुरू की जो शुरुआत के अंदर हमने 7 एयरपोर्ट्स पर शुरू की, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची पर। और उसके कारण क्योंकि हमने चाइना से भी जानकारी ली कि कौन हमारे यहाँ आने वाले हैं लोग और एयरपोर्ट्स पर हमने सर्वेलेंस किया, इसके कारण 24 जनवरी को एक 20 साल की मेडिकल स्टूडेंट जो चाइना से चलकर और अपने घर केरल आ रही थी उसकी भी हमको जानकारी मिली। लेकिन 24 तारीख को चलने के बाद से वो और उसके जैसे सभी लोग हमारे सर्वेलेंस की नज़र में थे और इसके कारण वो 25 तारीख को कलकत्ता में आई। कलकत्ता से उसने दूसरी फ्लाइट ली और कोची से आगे आकर वो फिर अपने घर गई। लेकिन 27 तारीख को जब उसको घर जाने के बाद सिम्टम एक पहला हुआ तो चूंकि वो हमारी पैनी निगाह में थी इसलिए उसकी जांच के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया और 30 जनवरी को हमें पहली बार पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और ये 30 जनवरी का समय वो था जब पहली बार WHO ने दुनिया को ये कहा कि कोई दुनिया के लिए एक पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी आई है। इस बच्ची को 30 तारीख को जब हमें पता लगा कि ये पॉजिटिव है तो इस बच्ची की हमने पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। चीन पे किस हवाई जहाज पर ये बैठी थी, उस हवाई जहाज में कौन कौन से 45 लोग थे और भी लोग थे इसके आसपास के, इसके बगल में कौन बैठा था, इसके पीछे कौन बैठा था, इसके आगे कौन बैठा था, इसके साइड में कौन बैठा था,
कलकत्ता हवाई अड्डे पर आकर ये किस किस से मिली, वहाँ से दूसरे हवाई जहाज पर चढ़ने में कौन कौन लोग इसके आसपास थे, कलकत्ता में और कोची के अंदर ये दो रात दो होटल्स में रुकी, वहाँ पर किन किन लोगों से इसका संपर्क हुआ, रास्ते में इसने दो टैक्सियाँ पकड़ी, बाद में प्राइवेट गाड़ी अपनी पकड़ी, ऐसे करके 162 कॉन्टैक्ट्स, ये पहले केस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यानी ये कितना कठिन काम था। अभी जो आपको ये बात मैंने इसलिए ज़रूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क होने से कितना बड़ा खतरा होता है। और 162 कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने देश के अंदर इसके ट्रेस किया और उनको जांच किया, उनको सर्वेलेंस में रखा। और जो हमारा दूसरा जो पेशेंट आया भारत के अंदर, वो भी केरल का था, वो एक फरवरी को डिटेक्ट हुआ। वो लड़की इसके बगल में हवाई जहाज के अंदर बैठी थी, इसके कारण वो प्रभावित हुई। और फिर तब से लगातार एक श्रृंखला चल रही है। आप जानते हैं कि WHO ने 11 मार्च को इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया, सारे दुनिया के लिए महामारी डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अभी ये स्लाइड में आप देखेंगे कि अभी भी कितनी, यानी चाइना में भी जहां बीमारी के 84,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं, वहां कल भी 21 केसेस हुए हैं, 4,642 वहां पर डेथ्स हो चुकी हैं। सारे यूरोप के अंदर अगर कल ही का आप देखेंगे तो कल और आज के बीच में 35,300 केसेस हुए हैं। अमेरिका के अंदर अभी तक 6,95,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं। स्पेन में 1,91,000 केसेस हो चुके हैं। इटली में 1,75,000 केसेस हो चुके हैं। जर्मनी में 1,39,000 केसेस हो चुके हैं। और इसी तरह अमेरिका में और दूसरे स्थानों पर जो डेथ्स हो चुकी हैं उनकी बारे में इसमें जानकारी है। हम ये सब लोग जिनकी मृत्यु हुई है, इनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक लोगों के प्राणों की रक्षा करने में हम लोग सफल हों। नेक्स्ट। ये आपको हिंदुस्तान का सिनेरियो के बारे में अंदाज़ा लगेगा। हालांकि 4 बजे रोज़ आपको बताया जाता है। आप देखेंगे कि बैक करिए, अभी 17,000 हमारे यहाँ 265 केस हुए हैं, लेकिन जो खुशी की बात है कि जिस तरह से केसेस हो रहे हैं उसी के साथ साथ एक तरफ से हमारे केसेस ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं। और अभी 2,547 केस हमारे अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट। ये ग्राफ भी यही दिखा रहा है कि जिस तरह से केसेस जो हमारे बढ़ रहे हैं उसी तरह से जो हमारा ग्राफ जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का है वो भी उसी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। जो आप सबसे पहला ग्राफ देख रहे हैं और जो सबसे दूसरा ऊपर से जो ग्राफ देख रहे हैं वो इस बात के लिए जो है हमारे को पुष्टि करता है कि हमारा एडमिशन और जो डिस्चार्ज रेट है ये लगभग बराबर चल रहा है, जो अपने आप में एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट। ये इसी तरह से हमने जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं, आपकी दिल्ली में भी 45 डेथ्स दिखाई दे रही हैं, 2,000 से ज़्यादा मरीज दिखाई दे रहे हैं, 72 लोग इसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अलग अलग जो जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा तकलीफ है उनका ये वर्णन है। नेक्स्ट। इस सारे संदर्भ में पहले ही दिन से हमारे प्रधानमंत्री भी सारे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं और 3 फरवरी के शायद पहली फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसमें कि सिविल एविएशन के, होम के, शिपिंग के, एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री थे, जिसने अब तक हमारा जो ग्रुप है वो पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में 3 फरवरी से आज तक 12 दफ़ा मिला है। और बड़े बड़े फैसले इस बीमारी को कंट्रोल करने के बारे में हम लोगों ने किए हैं।
एक्सपर्ट्स का एक हाई लेवल का ग्रुप हम लोगों ने बनाया। मंत्रालय में 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हुए हैं। सारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे करते हैं। जो हमारा टेक्निकल ग्रुप पहली बार मिला था 8 जनवरी को, तब से अब तक वो 10 बार मिल चुका है। हम लगातार चीफ मिनिस्टर्स के संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री जी तीन उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और पार्लियामेंट को लगातार हम लोगों ने सूचित किया है। हमने खुद जाकर एयरपोर्ट्स पर, क्वारंटाइन सेंटर्स पर, हॉस्पिटल्स में जगह जगह जाकर फील्ड के अंदर डिटेल में इसकी जानकारियां प्राप्त की हैं कि वहां पर वास्तव में व्यवस्था को ग्राउंड पर खुद जाकर देखा है। और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को सारे देश में हम लगातार, आज भी आपने टेलीविज़न पर 4 बजे सुना होगा कि 5 स्थानों पर जहाँ बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ हम लोगों ने 5 बड़ी टीम्स भेजी हैं। और इस ये पहले दिन से हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की टीम्स सारे देश में भेज रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो है आपको स्लाइड दिखाती है कि हम हर प्रकार की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर हम लोगों ने, यानी अपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारी जो कोर कैपेसिटीज़ हैं जिसमें ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि किस प्रकार से हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर, बाद में नेपाल में जब केस आया तो नेपाल के सारे लैंड बॉर्डर्स पर, शिप के पोर्ट्स पर, कम्युनिटी के अंदर सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से सारी तैयारियां की। PPEs और ये डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स वगैरह के बारे में, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब से कुछ साल पहले तक 2014 में ये टेस्ट करने के लिए सैंपल को अमेरिका भेजा जाता था और जनवरी के महीने में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जिसमें ये वायरस टेस्ट होता था, वो पुणे के अंदर थी। लेकिन इस दौरान हमने इस 3 महीने के अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर आज देश में 194 लेबोरेटरी हमारी सरकार ने स्थापित कर दी हैं। इसके अलावा 80 से ज़्यादा लेबोरेटरी प्राइवेट सेक्टर की जो है उनको तैयार कर दिया है और करीब 3 और 4 लाख के बीच में टेस्ट हम कर चुके हैं। एक दिन में 37-38 हज़ार टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश को हॉस्पिटल्स की तैयारी करने की दृष्टि से बीमारी का रिस्क जो है उसको किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, कॉलर ट्यून के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कैसे देश के लोगों को, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग में हमने एयरपोर्ट से लेकर हेल्थ वर्कर तक, इमिग्रेशन स्टाफ से लेकर और डिज़ास्टर के स्टाफ तक सब प्रकार के करीब 1.5 लाख के करीब लोगों को इस 2 महीने के अंदर हमने ट्रेन किया कि कैसे आपको अपने अपने स्थान पर बीमारी को हैंडल करना है, वो चाहे क्वारंटाइन के अंदर लगे हुए लोग हों चाहे दूसरे स्थानों पर लगे हुए लोग हों। आज भी हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में लगभग 8 लाख लोगों के ऊपर हम लोगों ने देश में पैनी निगाह बनाकर रखी हुई है। देश के एयरपोर्ट्स पर 15,000 से ज़्यादा हमने फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को स्क्रीन किया, 15.5 लाख लोगों को, और ऐसे ही बॉर्डर्स के ऊपर करीब 20.5 लाख लोगों को हमने उनकी स्क्रीनिंग की। नेपाल के पास के बॉर्डर के 5,000 गांवों में हमने ग्राम सभाएं आयोजित की क्योंकि कोई भी चांस हम नहीं लेना चाहते थे। तो 12 बड़े शिप के पोर्ट और 65 नॉन मेजर जो पोर्ट हैं वहां पर हमने करीब 48,000 लोगों की स्क्रीनिंग की। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है ये इसी बात को दिखा रही है कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हमने, इवन विदेशों से जो हम
चाइना से, ईरान से, इटली से, जापान से अपने लोगों को निकाल के लाए, उसको हैंडलिंग करने वाला स्टाफ या क्वारंटाइन करने वाला स्टाफ, देश के अंदर सर्वेलेंस ऑफिसर्स, रैपिड रिस्पांस टीम्स, इसी तरह से ये जो आप दाई तरफ फोटो देख रहे हैं, 6 मार्च को हमने ट्रेनिंग की जो कि 1000 से ज़्यादा जगहों पर जो है देश में लोग इस प्रकार से लॉगिन करके ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हॉस्पिटल लेवल पर और उसके नीचे भी आशा वर्कर के लेवल पर जो 10 लाख हैं देश में, हमने इसी दौरान इस बीमारी को हैंडल करते करते उनके साथ साथ इसकी ट्रेनिंग्स को हम लोगों ने किया। वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर्स को गाँव में भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स के साथ मिलकर और सारे देश के जो डॉक्टर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको हमने कनेक्ट करके उसकी भी ट्रेनिंग की। नेक्स्ट, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे बॉर्डर्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स पर, सब जगह पर स्क्रीनिंग हुई कितने कितने लोगों की। NDMA ने करीब 147 जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम किए कस्टम्स के, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के, CISF के, क्योंकि बहुत बड़ा जो ये सारी बीमारी विदेशों से आ रही थी तो सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट्स के ऊपर होनी थी। नेक्स्ट, ये लगातार 17 जनवरी से शुरू करके हम तरह तरह की एडवाइजरीज देते रहे कि कब किस देश से आने वाले लोगों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन सी फ्लाइट्स बंद हैं, किस देश में जाना ठीक नहीं है, किस देश से आने वालों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये उसके बारे में दर्शाती है। नेक्स्ट, ये आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 2500 से ज़्यादा हम अपने भारतीयों को जो फंसे हुए थे विदेशों में, उनको हम चाहे वो मलेशिया में थे, ईरान में थे, इटली में थे, उनको हम विषम परिस्थितियों में निकाल कर लाए, भारत में उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में आम जनता के बीच से बहुत दूर हमने रखा आर्मी की सहायता से, 14 से 18 दिन वहाँ रखने के बाद, नेगेटिव टेस्ट होने के बाद उनको वहाँ से वापस घरों में भेजा, और इसी तरह से 48 विदेशी लोगों को भी हम लोग जो है भारत के अंदर वहाँ से निकाल के लाए। नेक्स्ट, ये स्लाइड आपको बता रही है जो मैंने आपको शुरू में वर्णन किया कि किस प्रकार से पहले ही दिन से हमने देश के अंदर जो है एक एक व्यक्ति के ऊपर कम्युनिटी सर्वेलेंस के तहत नज़र रखी, और आज भी अगर आप इसमें देखेंगे तो 8,06,272 ट्रैवलर्स जो है उनको कम्युनिटी सर्वेलेंस में लाया गया। 21, 22, 23 मार्च को दिल्ली में और दूसरे एयरपोर्ट्स पर 64,000 भारतीय लोग और दूसरे आए जिनको हमने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा, होम क्वारंटाइन में और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट, ये अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कैसे हमने अपनी लेबॉर्टरी की टेस्टिंग को जो है इस छोटे से पीरियड के अंदर देश के अंदर विकसित किया। आज जो हमारे 20 अप्रैल को 4 लाख से ज़्यादा हम देश में टेस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, 194 हमारी सरकारी लेबॉर्टरीज हो गई हैं, 83 प्राइवेट हो गई हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर भी हमारा 30 अप्रैल तक जो है हमारा प्लान है कि हम अपनी लेबॉर्टरीज़ की संख्या भी जो है बराबर बढ़ाते जाएं और 31 मई तक हम 1 लाख लोगों को रोज़ टेस्ट कर सकें, ऐसी हम फैसिलिटीज़ को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये अस्पतालों के बारे में है कि आज हमने देश में 682 ऐसे अस्पताल एक्सक्लूसिवली तैयार करके रखे हैं जहाँ केवल कोरोना वायरस से बीमार होने वाले मरीजों को हमने रखने का इंतजाम किया है। इनमें 1 लाख से ज़्यादा बेड्स हैं, 15,000 से ज़्यादा ICU बेड्स हैं एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड, 8,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स इसमें हैं, और इसके अलावा भी दूसरे रेलवेज ने और दूसरे हमारे सरकार के विभागों में, PSUs में, बहुत जगह पे हमने बेड्स को सुरक्षित करके रखा है, और साथ में आने वाले समय के लिए 53,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स और प्रिक्योर करने के लिए भी हमने तैयारी की है। एक बहुत बड़ा वृहद प्लान सारे देश के लिए हमने तैयार करके रखा है कि अगर भगवान ना करे बीमारी बहुत भयानक तरीके से बढ़ती है तब हमें किस प्रकार की योजना बनानी है। नेक्स्ट, ये जैसा मैंने बताया कि कैसे हम देश के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं,
टीवी स्पॉट, रेडियो स्पॉट, डेली प्रेस ब्रीफिंग, करीब 543.77 करोड़ हमने एसएमएस जो है डूज एंड डोंट्स के बारे में जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू देश में भेजे हैं। कॉलर ट्यून मैसेज जो है ये 117 करोड़ जो हमारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं इनको भेजा है, और ये खाली हिंदी अंग्रेजी में नहीं, इंग्लिश हिंदी और 11 रीजनल भाषाओं में भी जाता है। इसके साथ साथ जो है लगभग हर दूसरे दिन जो है अखबारों में एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया है। नेक्स्ट, ये वही सारी चीज़ें हैं कैसे माई गॉव के माध्यम से कॉल सेंटर हमने बनाया है, जिस नेशनल कंट्रोल रूम है, और इसके साथ साथ देश भर में 104 और कॉल सेंटर्स हैं। उन कॉल सेंटर्स के माध्यम से लाखों जो है लोगों ने उन कॉल सेंटर्स का और जो हमारा जो नेशनल कंट्रोल रूम है उसका फ़ायदा उठाया है। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा स्लाइड जो है ये आपको एक जो प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या क्या प्रोएक्टिवली हम लोग कर रहे हैं उसका एक जायज़ा दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, आइसोलेशन बेड्स के बारे में, पीपीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट, ये भी जो है पहले केस से लेकर और आज तक की जर्नी को ये डिपिक्ट करती है कि किस स्टेज पे हमने जनता कर्फ्यू लगाया, किस स्टेज पे लॉकडाउन। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ये सारी चीज़ें प्रोएक्टिवली प्रीएम्प्टिव यानी समय से पहले की। दुनिया में अमेरिका, इटली और ये दूसरे देश जब थर्ड स्टेज में बीमारी के पहुंच गया देश और बहुत तेज़ी से देश में तकलीफ बढ़ने लगी, तब उन्होंने बहुत लेट एक्शंस किए। अभी हमें आज भी हम लोग अभी स्टेज थ्री में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि कितना पहले हमने सारे एक्शंस को अपने इनिशिएट किया है। नेक्स्ट, ये सारा डिटेल है कि 17 जनवरी से जो कुछ शुरू किया और वो कैसे 21 मार्च तक के बीच की यात्रा है। इसमें बीच में आपने देखेंगे आपकी प्रधानमंत्री जी ने सारे सार्क देशों के साथ भी मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। एक कोविड-19 के लिए साउथ एशियन इमरजेंसी फंड शुरू किया जिसमें भारत ने 10 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है डोनेट किया, और ये सारी जो अलग अलग समय पे कहाँ कहाँ से फ्लाइट्स को बंद किया। और उसके बाद हमने इसमें देख रहे हैं आप कि 19 मार्च को हमने जितने भारत में जो फ्लाइट्स आ रही थी सबको आखिर में बंद कर दिया पूरी तरीके से। नेक्स्ट, ये भी उसी का डिटेल में ये सारी चीज़ें आपके सामने होती जा रही हैं। ये सब हमने समय के हिसाब से, डेट के हिसाब से इसमें अलग अलग आपने देखा। इस बीच में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो लागू की गई, जिसमें करीब 101.70 लाख करोड़ यानी 1,70,000 करोड़ रुपए का जो है गरीबों के लिए पैकेज जो है भगवान ये अपने प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए टेली मेडिसिन की हम लोगों ने गाइडलाइंस, आज आप कोई भी अपने डॉक्टर से टेलीफोन पे बात करके एडवाइस ले सकते हैं, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और उस डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पर कानूनी तौर पर जो केमिस्ट है, फार्मेसी है, वो आपके घर में दवाई सप्लाई कर सकती है। ये सारा कुछ भी हमने इसी बीच में किया। ये सब जानते हैं आपकी जो दूसरा जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट वगैरह हैं और जो डिज़ास्टर के लिए जो भी कानून होते हैं उन सबको इस बीच में लागू किया है। नेक्स्ट, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो सारे देश में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, ये सब हमने एक जगह पर इनको कंपाइल किया है। नेक्स्ट, डेट वाइज या हर रोज़ हमारी मिनिस्ट्री में 24 घंटा ये सब चीज़ों का काम होता है कंटिन्यूसली। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दी हैं क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या अभी नहीं हो सकता, जैसे आज ही 20 तारीख को कुछ जगह पर देश में राहत दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक कोई केसेस नहीं है। दिल्ली में मुझे खुशी है कि लॉकडाउन में कोई किसी तरह की राहत नहीं दी गई है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट,
ये सारी गरीबों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने घोषित की हैं, चाहे वो उनको 5 किलो 3 महीने तक अनाज देने का विषय हो, चाहे उज्ज्वला के गरीबों को फ्री सिलेंडर देने का विषय हो, चाहे फार्मर्स के लिए हो, चाहे बुज़ुर्गों के लिए हो, चाहे एजिड वीडियोस के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो, ये उसका वर्णन इसके अंदर दिया गया है। और उसी तरह की और जो सुविधाएं दी गई गरीबों के लिए उनका वर्णन इस स्लाइड में दिया गया है। समय के अभाव में उसको विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा। नेक्स्ट, ये क्योंकि आप जानते हैं कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी हूँ, तो अलग अलग आपको सुनकर खुशी होगी कि दुनिया के अंदर केवल 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वायरस को आइसोलेट कर लिया है, और भारत भी उसमें से एक है। और अभी हम दुनिया के अंदर कुछ देशों के अंदर उन देशों में हैं जो वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं। WHO के साथ मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनियों का ऑक्सफर्ड के साथ अलाइनमेंट हो गया है और हम लोग दोनों मिलकर इसको बहुत तेज़ी से काम को कर रहे हैं। अभी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक केरल की लैब ने एक ऐसी डायग्नोस्टिक लैंप डिवाइस की है जो शायद दुनिया में पहली बार इस बीमारी का डायग्नोसिस कुछ ही मिनट में करने की उसके अंदर क्षमता होगी। तो ये जो हमारा जो साइंस का डिपार्टमेंट है, CSIR इत्यादि, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं नई नई इसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, क्या क्या हमारे पास हथियार हो सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये भी एक आरोग्य सेतु ऐप है जो कि इंफॉर्मेशन IT मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये विकसित किया गया है, और अभी तक 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का, हमारी कंस्टिट्यूएंसी का एक एक व्यक्ति इसको डाउनलोड करे। ये 11 भाषाओं के अंदर भी इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये ऐप आपको डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना से बचने के लिए आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आपको लाभ इसका तभी होगा जब आपके फ़ोन में भी ये ऐप होगा। और इस ऐप का अगर एक संक्षेप में मैं 2 लाइन में कहूँ तो यह है कि आपको अगर आपके नज़दीक कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो वो कोरोना का सस्पेक्ट है या कोरोना पॉजिटिव होने की उसकी संभावना है या उसकी कोई ऐसी व्यक्ति के संपर्क में आने की हिस्ट्री इत्यादि होगी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत कॉन्शियस हो सकते हैं और आने वाले कुछ दिन आप अपना विशेष ध्यान रख सकते हैं। इसकी टेक्निकल डिटेल्स तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन इसको आरोग्य सेतु ऐप को आप सब अपने फ़ोन में कृपया डाउनलोड ज़रूर कर लें। ये इस तरह की और भी चीज़ों पे काम हो रहा है जो विशेष रूप से हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर सफलता देगा। नेक्स्ट, ये पूरा बैक से दिखाइए। ये स्लाइड डिटेल में तो हम नहीं इस समय जा पाएंगे, लेकिन हमने हर स्टेट इसमें अच्छे अच्छे काम कर रहा है। हम लोग तो उनको गाइडेंस देते हैं, लेकिन सबने नए नए तरीके डिवाइस किए हैं अपनी जनता को बचाने के लिए, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो इसमें हमने कौन सी स्टेट क्या क्या अच्छे काम कर रही है उसको लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, गोवा, राजस्थान, बिहार, अंडमान, असम, जम्मू, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी कुछ जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके बारे में जो है इसके अंदर जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, ये जो हमारे अभी एरियाज जिनके ऊपर हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, जो देश में सर्वेलेंस है डेडिकेटेड। नेक्स्ट, अभी जैसा मैंने बताया कि देश को हमने हॉटस्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट और नॉन हॉटस्पॉट वाले डिस्ट्रिक्ट और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां बीमारी बिल्कुल आई नहीं है इसमें डिवाइड किया हुआ है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से इस बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज हैं। घर से घर जाकर सर्वे करना, कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करना, क्वारंटाइन करना, रैपिड रिस्पांस टीम्स की सहायता लेना इत्यादि, और फिर जो मरीज़ों को आइसोलेशन करना, ट्रीटमेंट करना, ये सारा विस्तार से इसमें चर्चा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के बारे में मैंने आपको बताया है कि
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारी जो ये स्लाइड यही सब बातें आपको बता रही है जिसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि RWS के माध्यम से, NGOs के माध्यम से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, मार्केट एसोसिएशंस के माध्यम से हम कैसे डूज एंड डोंट्स अपने इलाकों में उनको प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट कराएं, और इसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट, थैंक यू। तो ये थोड़ा सा संक्षेप के बावजूद भी इसमें मैंने देखा 20-25 मिनट लग गया, तो आपके साथ मैंने सोचा कि ये ज़रूर मैं शेयर करूं। आप हमारे क्षेत्र के बहुत ही योग्य और एक्टिव जो है RWAs हैं, तो अभी मैं एक बार मैं चाहता हूं कि जो अधिकारी इस समय यहाँ आए हैं एक एक मिनट के लिए वो सामने आएंगे। ये मोनिका भारद्वाज जी जो DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की हैं, मुझे पता लगा कि वो हैं यहाँ पे, क्या वो अभी स्क्रीन पे आ सकती हैं? मोनिका भारद्वाज जी DCP नॉर्थ, ऐड करिए मोनिका भारद्वाज जी। आप मुझे देख, अच्छा अच्छा, आप नहीं, मुझे तो आप दिख नहीं रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ देम प्रॉपरली। संजय भाटिया जी हैं यहाँ पर DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मोनिका जी आ गई। जी सर, मैं आपको सुन सकती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप समय निकाल के आई हैं। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि इट इज़ ए डिफिकल्ट टाइम, लेकिन सब लोग मिलजुल कर हम एक दूसरे की रक्षा करते हुए और इस डिफिकल्ट टाइम को अच्छी तरह से गुजार लें और कोशिश करें कि हम अपने लोगों को स्वस्थ रखते हुए और अधिक से अधिक लोगों की हम रक्षा कर सकें। संजय भाटिया जी। जी सर। संजय जी, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट एट योर एंड। आई नो कि हमें पता है कि हमारे थैंक यू हमारे पार्लियामेंट्री सीट पे भी कई सारे हॉट स्पॉट्स हैं, उनको ठीक से मैनेज किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, अंडर कंट्रोल है, और कोशिश करके सोशल डिस्टेंसिंग और जो हॉटस्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है सर। कोई आपको समाज से सहयोग मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं, जिसमें हमारे किसी इंटरवेंशन की जरूरत हो? सर थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है सर तमाम को, जो खासकर मटिया महल का एरिया आपका, चांदनी महल का कुछ पोर्शन जो है जी, लोगों को सर यही अपील की जाए कि कोशिश करके घर से बाहर मिनिमम निकलें, जब तक कोई एसेंशियल आइटम लेने के लिए या कोई अर्जेंसी ना हो जी। तो एक मेजर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि लोग घर पे ही रहें और जो गाइडलाइंस है उनका अपने अनुशासन के साथ पालन करें सर। चलिए ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से अपील करता हूँ और आप भी अपनी तरफ से अपील करिए लोगों को सर। अच्छा, निधि श्रीवास्तव जी हैं DM सेंट्रल जोन। अभी आई होप एवरीथिंग इज ओके एट योर एंड। हाँ सर, अभी तक सब सही चल रहा है। डिफिकल्ट एरिया है तो इसमें हमें जरूर RWAs और सबसे मदद की हमेशा अपेक्षा रहेगी, और आई होप कि जैसे ही दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। कोई आप में से किसी भी अधिकारी को कोई भी विशेष अगर परेशानी होती है तो प्लीज गेट इन टच विद माई ऑफिस ऑल्सो, कीप मी ऑल्सो अप्राइज्ड अबाउट इट, सो दैट इफ पॉसिबल आई कैन ऑल्सो ट्राई एंड हेल्प यू पीपल। और जो हमारे RWAs के माध्यम से आपको कोई भी जानकारियाँ या कोई भी शिकायतें कुछ भी मिलती हैं, तो इनको इनकी समस्याओं के सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा प्रोएक्टिवली इनकी मदद करें, बिकॉज राइट नाउ एवरीबॉडी इज पासिंग थ्रू ए ट्रबल टाइम। और भी कोई अधिकारी इस समय यहाँ पर हैं? क्या नाम? विजेंद्र सिंह जी आए जरा सामने। विजेंद्र सिंह जी सर, मैं संदीप, DM नॉर्थवेस्ट। हाँ, एक बार आइए जरा, शक्ल तो देखें, आपकी बहुत दिन हो गए शक्ल देखे हुए। हाँ, ये
ये मास्क मास्क में है क्या? नेक्स्ट ये नहीं, अपने विजयन सिंह जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है सर। हमारे सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है सर, हमारे यहाँ प्रिंटर रूम में। ठीक है, जो भी देखिए सभी सब। हाँ मैं सुन लिया आपकी बात। सभी अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी क्षेत्र में जो भी हमारी जिम्मेदारी और जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो कुछ भी आपको सबको करना है उसको एक्टिवली आप प्लीज़ करें। और RWS को भी अगर कोई कहीं पर कठिनाई आती है तो अपने अपने क्षेत्र में अपने कॉरपोरेटर्स और अपने MLAs की मदद लेकर, और अगर उसके बावजूद भी आपकी तकलीफ़ का समाधान नहीं होता है तो आप हमारे दफ्तर को भी सूचित कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मेरी कोशिश होगी कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैं काम कर सकूं। अभी अभी अगर कोई एक या दो कोई RWS कोई विशेष बात कहना चाहते हैं स्पेसिफिक, देखिए ये अभी उतना टाइप का समय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा विस्तार से हर एक चीज़ की यहाँ पर इस समय चर्चा कर पाएँ, लेकिन आपकी कोई भी जैसा मैंने कहा कि स्पेसिफिक्स में शिकायतें हो तो आप हमारे ऑफिस के संपर्क में रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं शशि बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ बताइए शशि जी, बताइए जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गरीब आदमियों के पास मास्क नहीं हो पाता तो क्या हम घरों में बने हुए या हम किसी दर्जी से मास्क बनवाकर उन लोगों को दे सकते हैं? अभी आप अगर मेरी तस्वीर देख पा रहे हैं तो देश का स्वास्थ्य मंत्री भी ये साधारण मास्क जो खादी का बना हुआ है उसको इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे को भी उतनी ही प्रोटेक्शन है जो कि बहुत पैसे खर्च करके जो मास्क आप लेंगे उससे भी। मैं कोई N95 या सर्जिकल या दूसरा मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये साधारण खादी का मास्क है। और आप देख रहे हैं कि खादी के कपड़े के इर्द गिर्द ये थोड़ा सा काले रंग की बाउंड्री लगाकर इसको बनाया गया है, तो कोई भी अपने घर में भी बना सकता है इसके लिए। इसीलिए हमने उसको जो है फेस कवर का नाम दिया है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर और उसको अपने जो गमछा है उसी को लपेट कर जो है वो अपना काम चलाते हैं। इसलिए किसी भी रूप में बेसिक बात यह है कि हम हमारा नाक मुंह जो है इसको कवर करके रखें, और जब सड़क पे हम जाते हैं जब हम इसको कवर करके रखते हैं तो अगर हम बीमार हैं या कोई हमें खांसी जुकाम है तो हमारे कारण कोई दूसरे को तकलीफ जाने का संभावना नहीं है। और मैंने अपने आप को स्वस्थ रहते हुए भी कवर किया हुआ है, और रास्ते में कोई दूसरा होगा जिसको कोई तकलीफ होगी तो वो मुझे अपना इन्फेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए कौन संदीप जी बताइए। नमस्कार। हाँ बताइए संदीप जी। नमस्कार बताइए। हेलो मुकेश अग्रवाल मॉडल टाउन से बोल रहा था। पहले पहले संदीप जी बताइए। नमस्कार सर जी। हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट पे स्थितियाँ नियंत्रण में है और लगभग 25 केसेस हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं था लेकिन 18 तारीख को हमने कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। सर आपके माध्यम से मैं RWS से अपील करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पॉजिटिव केस आया जाता है तो उसको हवा ना बनाए, समझदारी का परिचय दे। कई बार लोग बाहर निकल आते हैं और हमको फोन आने शुरू हो जाते हैं कि इसको हटाओ हमारे मोहल्ले से, तो कोविड पॉजिटिव है इसको अस्पताल ले जाओ। तो उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक सेट प्रोटोकॉल है कि कब हम कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, कैसे टेस्टिंग कराएं, तो लोग संयम का परिचय दें। इसमें RWS का बहुत उपयोग अपेक्षित है और हमें बहुत आसानी हो जाएगी अपना काम कर पाने। देखिए मैं भी आप सबसे सब RWS से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी कोविड के मरीज को और किसी डॉक्टर को हेल्थ वर्कर जो इसके लिए साथ जुड़े हैं इनको कोई स्टिग्मेटाइज मत करिए, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो है आपके मोहल्ले में कोई एक हो गया तो आप सारे के सारे मोहल्ले वाले जो है उस व्यक्ति के या उसके परिवार के पीछे पड़ जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभी संदीप जी ने कहा उस बात को बहुत गहराई से समझें,
और इसके अंदर कहीं भी कोई पैनिक ना होने दें, हर एक चीज़ का एक नॉर्म है। और मैंने आपको बताया कि ये बीमारी को अपने आप से दूर रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। साधारण बातें जो बार 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 आपको बताई जा रही हैं, केवल उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई ना तो कोविड का मरीज़ कोई जो है अछूत है, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट अछूत है, ना ही जो डॉक्टर नर्स इलाज कर रहे हैं वो अछूत हैं। इसलिए उन सबको जो कोविड के इलाज में किसी भी रूप में लगे हैं, उनको हमें ज़रूरत से ज़्यादा और उल्टा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनके प्रति हमारा जो भाव है वो और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। ये लास्ट कमेंट हम लेंगे आलोक जी का। आलोक, आलोक जी, डॉक्टर साहब, क्या ये एनिमल्स या बर्ड से भी कोरोना वायरस फैल सकता है क्या? जैसे स्ट्रेट डॉग्स हैं या कुछ है, उनसे क्या फैल सकता है? क्या चीज? जैसे एनिमल्स या बर्ड से कोरोना वायरस फैल सकता है क्या? नहीं, ये एनिमल्स, देखिए, ये जानकारी तो हमने कई बार दी है, टेलीविजन के माध्यम से भी आती रहती है, हमारी एडवाइजरीज के अंदर भी है। आपके घर में जो पेट्स वगैरह हैं उनके कारण ये कोई बीमारी ना फैल सकती है, ना उनसे आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी आपके किसी पेट से या किसी भी एनिमल से ये आपके अंदर नहीं आएगी। ये अभी सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका है, इसीलिए इंसानों के साथ एक मीटर दो मीटर का फासला बना के रखने की बात है। सत्यम बंसल, मास्क भी अगले एक डेढ़ साल तक जरूरी कर देना चाहिए सबकी सेफ्टी के लिए। जी, नेक्स्ट, सबकी सेफ्टी के लिए मास्क कंपलसरी कर देना चाहिए एक डेढ़ साल के लिए। जी जी जी, जो जो कुछ आवश्यक होगा सब कुछ किया जाएगा, चिंता मत करिए। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक 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 या दो लोग लास्ट जो है मुझे कहें, क्योंकि 7 बजे मुझे दूसरी मीटिंग के लिए जाना होगा, आपसे अलविदा लेनी होगी। जो लोगों से मैं इस समय, मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी बताइए गगन जी। हाँ बोलिए सर, मेरी शुरुआत भी एक, ये बोलिए भाई साहब, बोलिए। सुरेश खंडेलवाल बोल रहा हूँ सर। ये अभी जो टिक हुआ है कोरोना के मरीज के सिस्टम, पता नहीं लगते, केजरीवाल जी ने कहा है कि 20 मरीज ऐसे निकले हैं जिनके अंदर कोई कोरोना सिस्टम नहीं थे, तो उस संदर्भ में हमको सतर्क रहने की क्या 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 संदेह, इसमें हमें क्या करना चाहिए? कोरोना पॉजिटिव और कोरोना के सिस्टम क्या है, कोरोना? देखिए, ये दो बातें समझ लीजिए। कोरोना के जो इनिशियल सिम्टम्स जो है बड़े स्पष्ट हैं, आपको बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, जुखाम हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ इत्यादि हो सकती है। और ये ऐसा कोई भी सिम्टम और इसके साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क जिसकी कोई फॉरेन ट्रेवल इत्यादि की हिस्ट्री हो, कोरोना के परिवार का कांटेक्ट हो, तो आप अपने डॉक्टर को जाकर अगर संपर्क करेंगे, हर अस्पताल में हमारे इसके लिए अलग से फीवर क्लिनिक, एक स्पेशलाइज्ड कॉर्नर बनाया गया है, वहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपको सही एडवाइस मिलेगा। और इसके अलावा अभी टेलीफोन पे भी आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, दूसरे स्थानों पर। तो कहीं पर भी डाउट है तो आप मेडिकल सिस्टम के टच में आ जाएँ तो आपको सही जानकारी मिलेगी। अच्छा, अभी मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि अभी शायद इससे ज़्यादा मैं समय आपके साथ ना रह पाऊँ, आप में से जिसके पास भी कोई भी प्रश्न इत्यादि हो तो आप हमारे जो APS हैं गगन मक्कड़, जिन्होंने आपको सूचना दी है, उनको टेलीफोन करके अभी इसके ख़त्म होने के बाद उनको टेलीफोन करके अभी बताइए अपना विषय, और मैं अगली मीटिंग खत्म होने के बाद आपके जो भी समाधान होंगे आपको टेलीफोन पर मैं दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, इस इंट्रैक्शन के लिए आपके और माननीय कोविड की खतरनाक आपके माध्यम से जितनी भी अथॉरिटी बैठी है, ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ, COVID-19 के कंट्रोल रूम है उसका नंबर नहीं मिलता, दिल्ली का एक ही नंबर है, बहुत पेश आती है,
पाती है, अगर किसी कारण से वो बहुत देर बाद वहाँ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय इन सब अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता की इस परेशानी को हल किया जाए। मैं आपकी बात को सभी अथॉरिटीज तक पहुंचाऊंगा, वो सुन भी रही हैं और मैं इसको व्यक्तिगत देखूंगा। अभी मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं और आपसे फिर संपर्क करने का प्रयास करूंगा। आपकी जो भी तकलीफ है वो हमारे ऑफिस को उसके बारे में सूचित करें। अभी 7 बजे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर रहना है, इसलिए मैं अभी तो आपसे सबसे हाथ जोड़कर अलविदा लूँगा और अपने आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अपने परिवारों का, अपने परिवार के बुजुर्गों का, अपने RWA के सदस्यों का, सबका ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।